नमस्कार, मैं हूं अमन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नजर के खास रिपोर्ट। राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को घेरा है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और चंद महीनों के फासले पर विदेश यात्राएं करते हैं और इन यात्राओं का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबली भारत विरोधी प्रचार करना है। तो राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान को लेकर अब पूरे देश में बवाल हो गया है। अलग अलग भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को घेरा है। भारतवर्ष में जो दलित विरोधी बयान, संविधान विरोधी बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जॉर्जिया टाउनशिप यूनिवर्सिटी में अमेरिका में जो बयान दिया गया, उसका दलित समाज पूरे भारतवर्ष में बड़ा विरोध कर रहा है। ये आज आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है कि भारतीय पार्लियामेंट के संसद के जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आजकल विदेश दौरे पर हैं और जब वो देश में रहते हैं तो भारत का संविधान उनके हाथ में होता है और हर मंच पर कहते हैं कि हम संविधान और आरक्षण की रक्षा करेंगे। पर बड़ी ये दुख हुआ ये जानकर कि अमेरिका के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे और सत्ता माने पर आरक्षण के समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे। एक कांग्रेस का दोगला चरित्र है। राहुल गांधी जी अपनी इस बयानबाजी पर कभी भी बाज नहीं आएंगे। फिर से उन्होंने बयान दिया कि भारत का आरक्षण, भारत में दलितों का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, लेकिन जब भारत उस लायक बनेगा। फिर से एक बार राहुल गांधी ने दलित विरोधी होने का, कांग्रेस का दलित विरोधी होने का एक बयान दे दिया। ये सच है दोस्तों, भारत में अगर किसी ने दलितों के खिलाफ लंबी राजनीति की है, दलितों के खिलाफ बहुत से कार्य किए हैं, तो वो केवल और केवल कांग्रेस की सरकार थी। कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन आज जब विधानसभा के चुनाव हैं तो एक बार फिर हम सब ने जो कांग्रेस पार्टी है उसका असली चेहरा देखा है। कल ही राहुल गांधी जी ने अमेरिका में वो गए हुए हैं, उन्होंने एक बात कही कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। आपने स्टेटमेंट देखी होगी, उन्होंने कहा अंग्रेजी में वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन When India is a fair place, and today India is not a fair place। पहली बात तो विदेशी धरती पर जा कर के बार बार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो देश को तोड़ने वाली बात, देश विरोधी बात, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और जो जहर बार बार उगलने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं उससे पता चलता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशी मंचों पर, चाहे वो राहुल गांधी जी हों या दूसरे नेता हों, वो देश की सुरक्षा को खतरे में भी डालते हैं, देश की भावनाओं को भी ठेस पहुँचाने का काम करते हैं।